चिकारी बनाया, चिकारी बनाने से झाला का आइडिया आ गया, और चिकारी से लहकारी भी, लहकारी के बहुत सारे रास्ते खुल गए। और तब के सब सितारों में ऐसा तुम्बा गोल नहीं होता था, चपटा होता था, उसको कहते थे कछुआ सितार। तो गोल तुम्बा उनके बाद उनके एडॉप्टेड सन थे निहाल सेन जी, इनका फोटो, तभी फोटोग्राफी स्टार्ट हुआ, तो इनका एक फोटोग्राफ हमारे पास है जहाँ सितार में गोल तुम्बा है और तरफ के तार हैं, तब उससे पहले नहीं था। तो निहाल सेन जी कंटेम्पररी समसामयिक थे विलायत खान साहब के ग्रैंड फादर के टाइम, इमदाद खान साहब करीब एक ही उम्र थी दोनों। तो ये ही वॉज द एडॉप्टेड सन। वैसे अमृत सेन जी बहुत ब्रिलियंट थे, उन्होंने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे शागिर्द तैयार किए, अपने छोटे भाई थे बहादुर खां और उनके दो नेव्यूज थे अमीर खां और हाफिज खां ग्वालियर के, बीनकार और सितारिये, इतना अच्छा सितार बजाते थे कि लोग उन बीन से ज़्यादा उनका सितार सुनना चाहते थे। तो सितार आस्ते आस्ते पॉपुलर बहुत हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सुरबहार, बिल्कुल सितार जैसे ही साज है, बड़ा है और सुर उसका नीचा है, मोटे तार लगते हैं, उसमें आलाप जोड़ बजाया जाता है आज भी सुरबहार में। सुरबहार कैसे बना, आज मैं सुबह मैं जिनके यहाँ ठहरा हूँ मृणाल जी, उनको मैं स्टोरी बता रहा था। ये जो अलाउद्दीन खान साहब के गुरु थे, अलाउद्दीन खान साहब जानते हैं आप लोग, रविशंकर जी के गुरु, अली अकबर खान साहब के, मिथिल बनर्जी के, पन्नालाल घोष के, सबके, इनके गुरु थे वजीर खां। वजीर खां के ग्रैंड फादर थे उमरा खान साहब। उनके पास एक ब्रिलियंट सितार प्लेयर गुलाम मोहम्मद सीखने के लिए गए, गुलाम मोहम्मद और उनके बेटे सज्जाद मोहम्मद, ये उनके समय में देवर फैंटास्टिक सितार प्लेयर्स, तो सितार में गत तोड़ी बजते थे। उनको आलाप ध्रुपद अंकार सीखना था, तो उमराव खां के पास गए, बीनकार घराना ध्रुपद, लेकिन उमराव खां साहब बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारे फैमिली में प्लेज को क्या कहते हैं, कसम, कसम, हम अपने बेटों के सिवाय हम किसी को नहीं सिखाते हैं, और बेटे के बेटे को सिखाएंगे लेकिन बेटी के बेटे को नहीं सिखाएंगे। तो उनका अंदर कुछ ऐसे ही मानते थे वो लोग कि वो अशुभ होता है किसी और को सिखाएं, तो उन्होंने इनकार किया, उन्होंने भी नहीं सिखाऊंगा, तुम लोग एक काम करो, दोनों बाप बेटे को बोला एक बड़ा सितार बना के देखो, अगर उसमें खर्च के तार और लग जाते हैं मोटे तार लगा के देखो। ही गेव द आइडिया और ये दोनों और उमराव खान साहब मिलके सुरबहार बड़ा बनाया, जिसका साउंड करीब बीन से मिल ही रहा था, और बल्कि तरफ के तार भी लगे तो बीन से भी, रुद्रवीणा से भी इसका आवाज़ और अच्छा होने लगा और अच्छा लगने लगा, और धीरे धीरे जो बीनकार लोग थे वो सब सुरबहार बजाने लगे, और लोगों को सुन बीन से ज़्यादा सुरबहार सुनने का मन होता था। तो आस्ते आस्ते बीन भी रुद्रवीणा लुप्त होते गया धीरे धीरे।